से मैं आज आपको हमारी पांचवी विशेष में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने पोस्टर्स में देखा होगा कि आज तीन स्पीकर्स ने होना था। डॉक्टर नेगर ने भी आज में ज्वाइन करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बीमार हो गए तो वो नहीं आ सके आज। तो आज की जो हमारी विशेष है इसका टॉपिक है बीएस प्रोग्राम, इसके अब राज और मकासद क्या होने चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों में से ज़्यादातर जो है बीएस की स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के भी अपने आइडियाज़ होंगे क्योंकि ये प्रोग्राम रिसेंटली शुरू हुआ है, कि आपके हिसाब से इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए और अभी इसमें क्या गलतियाँ वगैरह हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा एंड में, आप उसमें अपने आइडियाज जरूर शेयर कीजिएगा। तो फॉर्मेट इसका ये होगा कि दोनों स्पीकर्स के पास मैक्सिमम 30 मिनट्स होंगे, अपने आके वो आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे आपके सामने। उसके बाद फिर 4 बजे तक टाइम है हमारे पास, 4 बजे तक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं अब अपने हमारे आज के दो स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर परवेज भूतबॉय। डॉक्टर परवेज भूतबॉय ने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री MIT से हासिल की और 1973 में उन्होंने कैरल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। 1978 में उन्होंने MIT से ही अपनी PhD भी हासिल की फिजिक्स में। 1973 से लेकर वो 2010 तक कैरल यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रहे। इसी दौरानिए में वो हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी रहे। 2010 के बाद 2011 से 13 तक वो लम्स की फैकल्टी में रहे, जिसके बाद वो उन्होंने FC कॉलेज लाहौर ज्वाइन कर लिया और आज भी वो वहीं पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। डॉक्टर परवेज भूतबॉय को काफ़ी प्राइजेस मिल चुकी हैं, जिसमें अब्दुल सलाम प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, कलिंगा प्राइज फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस और बर्टन अवार्ड फ्रॉम द अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, ये अवार्ड शामिल हैं। तो अब मैं डॉक्टर परवेज भूतबॉय को दावा देना चाहूंगा कि वो आए और आज की मिसेज का आगाज करें। बहुत शुक्रिया। जो BS के प्रोग्राम के अगराज और मकासद हैं ये वही हैं जो आला तालीम के हैं, और मैं समझता हूँ कि तीन बुनियादी मकासद होते हैं जदीद तालीम। अवल ये कि एक ऐसा जहन तैयार किया जाए जो खुद अपने तौर पर सोचने की समझने की सलाहियत रखता हो और जो सही और गलत में फैसला करे दलील और सबूत की बुनियाद पर, तो पहला मकसद ये। दूसरा ये कि बहुत से हकायक से उस शख्स को आश्ना करना मकसूद है। इस दुनिया में बहुत कुछ है जानने को और उसका कम से कम कुछ हिस्सा उस तक पहुंचाना आला तालीम का मकसद है। और तीसरी बात यह कि उसको मुलाजमतों के लिए तैयार करना, यानी कि जॉब मार्केट एक बड़ी अहम चीज होती है तालीम के वास्ते। तो ये तीन बुनियादी मकासद हैं। एक जमाना था जब किसी शख्स को किसी एक पटरी के ऊपर लगाया जाता था कि जब उसकी उम्र कोई 8-9 साल ही होती थी कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है या तुम्हें वकील बनना है या इंजीनियर बनना है या ये बनना है या वो बनना है। तो हमारी तालीम में जो मैट्रिक और FSC की है और वो और ए लेवल की भी है वो इन्हीं खतूत पर खड़ी की गई। आर्ट्स और साइंस में फर्क किया जाता है बहुत कम उम्र में, और फिर जो साइंस में दाखिल होता है वो फिर प्रीमेड हो जाता है या इंजीनियरिंग हो जाता है। गोया के ऐसे है कि बस पैदाइशी तौर पर एक शख्स को पहले से ये बताया जाता है, ये तय हो जाता है कि तुम्हें ये बनना है या वो बनना है। खैर मैं जब यहां से कराची से ओ ए लेवल करके अमेरिका गया तो मुझे बड़ा धचका लगा। मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मुझे बेइंतहा शौक था इंजीनियरिंग का। जब मैं पहुंचा वहां पे तो देखा कि MIT में आपको सिर्फ 25% कोर्सेज इंजीनियरिंग के पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, बाकी 75% और कुछ इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट्स हैं, कोर रिक्वायरमेंट्स जो कहलाते हैं।
कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ये है कुछ वो है, लेकिन अर्ज ये कि सिर्फ 25% कोर्सेज जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे। चलो वो भी ठीक, लेकिन मैंने देखा कि वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बायोलॉजी भी पढ़ें। अब बायोलॉजी के हमारे टीचर जो थे स्कूल में बहुत ही मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे बायोलॉजी से कभी कोई लगाव नहीं पैदा हुआ और मुझे आज तक उसका अफसोस है। और हमें ये भी, हम पर ये भी लाजिम कर दिया गया कि आप एक और जबान सीखेंगे, तो मैंने कहा उर्दू, ना उर्दू नहीं, आपको फ्रेंच या इटालियन या इनमें से कोई जबान सीखनी होगी, चलो वो भी ठीक। फिर ये कहा कि आपको सारी ना बंद करें, कुछ रहने नहीं फिर बात, आपको हिस्ट्री के कोर्सेज पढ़ने होंगे। उस वक्त तो मुझे हिस्ट्री से कोई लगाव नहीं था, तो ये एक ऐसे लगा कि वो हमको मजबूर कर रहे हैं। आज मैं सोचता हूं कि जो उन्होंने हमारे साथ किया बिल्कुल ठीक किया, और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि मैंने कुछ दुनिया के बारे में, कुछ अपने सब्जेक्ट के बारे में, कुछ दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सीखा। खैर, जैसा कि हसन ने आपको बताया, मैंने यहाँ सन 73 में पढ़ाना शुरू किया, 2010 में रिटायर हुआ। रिटायरमेंट से 3 साल पहले वाइस चांसलर जो कासिम जान साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि हम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में डीएस प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं और ये अमेरिका में जिस तरह का प्रोग्राम है उन खतूत पर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इसका एक खाका तैयार करो। तो 3 और लोगों को मैंने अपने साथ शामिल किया और अब मैं आपको वो प्रोग्राम दिखाऊंगा जो हमने उस वक्त सोचा था। तो उस ये जो स्लाइड्स हैं कि उस वक्त तैयार हुई थी और ये बहुत जल्द आ जाएगी। ओके, सो दिस वाज द प्रपोज्ड आउटलाइन 2007 में। मेरे साथ डॉक्टर वसीम अहमद, डॉक्टर इश्तियाक अहमद और डॉक्टर अब्दुल हमीद तूर ये थे, और इनके अलावा सफिया आफ्ताब, जिन्होंने बहुत काम किया है इस प्रोग्राम के डिटेल्स बनाने में। मेरा ख्याल है डॉक्टर वसीम और डॉक्टर इश्तियाक शायद यूनिवर्सिटी छोड़ गए, डॉक्टर तूर शायद इधर हों, उन्होंने हैं। ओके, वेरी गुड। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले जो दाखिले होने चाहिए बीएस प्रोग्राम के अंदर वो हर साल होने चाहिए, एक दफा साल में। ये नहीं कि लिस्टें लगती रहें, ये नहीं कि साल में 2 दफा हो या 3 दफा हो, बस एक दफा हो, जैसा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में होता है, क्योंकि इससे एक तरतीब बनती है, एक तसलसल बनता है। इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की जरूरत है, लिहाजा हमें तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स तक का प्लान करना चाहिए, और जितने स्टूडेंट्स को एक्चुअली हम दाखिला देंगे वो हमारी फैसिलिटीज के ऊपर मुनहसर होगा। अगर फैसिलिटीज इससे कम है तो इससे कम स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाए, अगर इससे ज्यादा है तो मजीद पढ़ाया जाए। अच्छा, अगर देखा जाए कि अमेरिका में स्टूडेंट्स को किस बिना पर सिलेक्ट किया जाता है, तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें आपका हाई स्कूल रिकॉर्ड होता है, ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं जो बहुत डिटेल्ड होते हैं, और फिर SAT स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर्स पे की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी आपको देती है या रिजेक्ट करती है। फिर एक स्टूडेंट से मजामीन लिखवाए जाते हैं कि आखिर वो क्या दुनिया में क्या करना चाहता है, उसके प्लान्स क्या हैं, वो किस चीज को अच्छा समझता है, उसके उसका एक पर्सनल स्टेटमेंट उससे मांगा जाता है, और फिर उसके जो टीचर्स हैं उनसे लेटर्स ऑफ रेफरेंस मांगे जाते हैं। मगर हमने बैठकर ये
सोचा, फैसला किया कि ये चीज पाकिस्तान में नहीं चल सकती, आखिर यहाँ हर लेते, लिहाजा देता है इसको हम छोड़ देते। तो नो लेटर्स ऑफ रेफरेंस, नो एसेज, एसेज अगर आप किसी से लिखवाएं तो क्या पता कि उसने लिखा है किसी और ने लिखा है, तो छोड़ दें। और ठीक है, उसका जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी ठीक है, उससे भी कुछ हम जान सकते हैं आया कि ये स्टूडेंट कितना काबिल है। हम उससे एक एडमिशन टेस्ट लेंगे और उसकी पर भी हमने सोचा था कि या तो हम टेस्ट ना करें, अगर टेस्ट नहीं करते और सिर्फ उसके मैट्रिक और एफएससी की बिना पर लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी झोल आ जाता है, इसलिए कि कुछ बोर्ड्स में कदरे बेहतर हालात हैं और कुछ में हालात बहुत ही ख़राब है, चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है वगैरह। तो हमने कहा कि नहीं, वो ठीक नहीं है, हमें टेस्ट की बुनियाद पर उन्हें लेना चाहिए और कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी खुद अपना टेस्ट बनाएगी। रहा है ये बातें, मुझे आपसे पता चलेंगी, खुर्शीद साहब से और जो लोग इन टच है इस प्रोग्राम से, लेकिन उस वक्त हमें ये सोचा कि हम किसी डिपार्टमेंट में दाखिला नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक स्टूडेंट आएगा और वो कहेगा कि मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, ये या सोशल साइंसेस में जाना है, एंथ्रोपोलॉजी या हिस्ट्री में, ऐसा नहीं होगा। एक स्टूडेंट कुछ वक्त के बाद, एक साल के बाद, वो तय करेगा उसको किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो जो दाखले होंगे वो सिर्फ इन तीन में होंगे, नेचुरल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज और सोशल साइंसेज। ये मैं आपको बताता चलूं कि एमआईटी में दाखला जब आप लेते हैं तो वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता। मैं अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अंडर ग्रेजुएट में आपको ये हरगिज बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या आगे चलकर करेंगे। दूसरे साल के खत्म होने के बाद आप अपना डिपार्टमेंट चूज करते हैं। अच्छा, जो ये हमने सोचा था कि अगर एक स्टूडेंट आता है और वो विफर्ज नेचुरल साइंसेज में दाखला लेता है तो कम से कम 20% कोर्सेज उसको दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे फैकल्टी से लेने होंगे, और उसमें बायोलॉजिकल साइंसेज भी और सोशल साइंसेज भी। तो मकसद ये कि आप ज्यादा से ज्यादा जाने, ये नहीं कि आप सिर्फ एक पटरी पर चलते रहें, ये कि आप थोड़ा सा वो भी जाने और थोड़ा सा वो भी जाने। और बाकी तो डिटेल्स हैं, एक्चुअली मेरा ख्याल है इसके बाद शुरू हुआ है, लेकिन उस वक्त ख्याल था कि 2009 में शुरू होगा और के 5 साल के बाद एमएससी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, और जो बीएससी और तो सिर्फ यहाँ पर बीएससी रहेगी, एमएससी एज ए प्रोग्राम खत्म कर दिया जाएगा। लिहाजा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के दो अलहदा हिस्से बनने की यह तजवीज़ थी, एक जो ग्रेजुएट स्कूल होगा और एक जो अंडर ग्रेजुएट स्कूल होगा। जैसा कि अब दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में होता है, अमेरिका में खासतौर पर, ये भी कुछ डिटेल्स की बात है, जीपीए स्केल, इतने क्रेडिट्स और इतना सेमेस्टर, इस पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन ये अहम चीज, जो कोर कोर्सेज होंगे उन वो हर एक को पढ़ने होंगे। अब मसलन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मैं इस बार मुझे बहुत अजीब लगा और मैं बुरा लगा शुरू में कि मुझसे क्यों कहा जा रहा है कि आई शुड टेक अ कोर्स इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वर्ल्ड हिस्ट्री। और मुझे क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री से, उस वक्त तो 19 साल की उम्र में आप कहते हैं मुझे एक चीज से प्यार है और वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मुझे वही करना है। लेकिन जब आप
दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आपकी उससे आंखें खुलती हैं, आपको पता चलता है कि दुनिया की तारीख क्या है। और जो हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर के शायकीन हैं या जो पढ़ने के लिए आए हैं, वो जब कैलकुलस पढ़ते हैं और उनको कैलकुलस उस खूबसूरती से पढ़ाया जाता है तो कहते हैं कि हाँ ये तो वाह क्या कमाल की चीज है, क्या हमने ये ठीक सोचा था कि हमें हिस्ट्री ही पढ़नी है, शायद हमें मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। तो देखें हम में हर शख्स के अंदर तरह तरह की सलाहियतें होती हैं और तरह तरह के शौक होते हैं, और जब तक हमें ये बताया ना जाए कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी और दुनिया कितनी वसी है, उस वक्त तक हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। तो मैं एक कुछ तो कोर कोर्सेज होंगे और हमने ये सोचा था कि मैथमेटिक्स जरूर कोर कोर्सेज में शामिल किया जाए, इसी तरह से इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। आगे चल के देखें आप, हमारी गुफ्तगू तो यहाँ उर्दू में हो रही, बहुत सी बातें हम उर्दू में कर सकते हैं, लेकिन जब आपको अपनी किताबें पढ़नी होती हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होती है, तो उर्दू में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर किसी भी फील्ड के अंदर आपको आगे बढ़ना है सिवाय इस्लामिक स्टडीज के, तो वहाँ आपको आपका गुजारा अंग्रेजी के बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अंग्रेजी भी कोर कोर्स होना चाहिए, फिर ह्यूमैनिटीज में और फिजिकल साइंस और सोशल साइंस कुछ हमने कोर्सेस उसके लिए तय किए। तो ये कोर है जो हर एक को पढ़ना है। उसके बाद फिर मेजर कोर्सेस, तो मेजर कोर्सेस में तकरीबन एक चौथाई, जैसा कि मैंने आपको बताया 25% कोर्सेज जो मुझे पढ़ने पड़े थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे, ठीक है, बाज यूनिवर्सिटी में 30% होता, लेकिन 25-30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको और के लिए जगह छोड़नी है माइनर कोर्सेज। MIT में अगर आप मेजर करते हैं तो साथ माइनर भी करना होता। अब मैंने माइनर फ्रेंच लिटरेचर में किया और मुझे बहुत मजा आया। मुझे पता चला कि उनके ऐसे मुसन्निफीन थे गुस्ताव फ्लॉबेर जैसे, कि उनको बस आप पढ़ते रहे कोई मजा आता जाए। और फिर चंद ऐसे कोर्सेज जो इलेक्टिव कोर्सेज कहलाते हैं वो भी। तो अगर आप मसलन 180 क्रेडिट्स रखते हैं तो अबाउट 30 या 40 विल बी फॉर द कोर, और बाकी मेजर और बाकी फिर इन पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से ये कि 120 क्रेडिट्स फॉर ए 4-ईयर प्रोग्राम, और इसके हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना सकेंगे, लेकिन 9 ऑफ द कोर कोर्सेज विल बी फ्रॉम द पेरेंट फैकल्टी, पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं। हमने ताकि यू आर नॉट एडमिटेड इनटू अ डिपार्टमेंट, यू आर एडमिटेड इनटू अ फैकल्टी, और 3 कोर्सेज आप दूसरे फैकल्टी से लें। यहाँ सोशल साइंसेज में बहुत से डिपार्टमेंट्स है, DSS है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है वगैरह वगैरह। जो स्टूडेंट फिजिक्स में होगा उनको उनके कोर्सेज भी पढ़ने होंगे और वो कोर्सेज वही लोग पढ़ाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि किसको क्या पढ़ाना चाहिए। जिस चीज ने मेरे अंदर एक इल्म का शौक पैदा किया वो ये कि जो बेहतरीन टीचर्स थे MIT के, वो आकर हमें पढ़ाते थे एज फ्रेशमैन, एज सोफोमोर्स, एज जूनियर्स। ग्रेजुएट स्कूल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे वो काम उनके सुपुर्द किया जाता था। उसकी एक बड़ी खास मंतव है, जो सबसे अच्छा प्रोफेसर होता है वो सबसे, मतलब ये कि जो सबसे बेहतर टीचर होता है उसकी जरूरत पहले साल में होती है, क्योंकि पहले साल में या तो आपके अंदर उस सब्जेक्ट के लिए मोहब्बत पैदा होगी या आप कहेंगे मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं। यू हैव टू ओन द ग्रेजुएट प्रोग्राम।
program and have your best teachers, undergraduate program, have your best teachers teaching the lowest level. बहुत से ये कोर ये सारी ख्याली पुलाव में पकाई थी. लैंग्वेज, मैं फिर इस बात पर आऊंगा कि अंग्रेजी के बगैर गुजारा. और अगर यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि ये इंग्लिश कोर्सेज पढ़ा सके तो टीचर्स बाहर से लाए गए. हमने सोचा था कि नमल को इसमें शामिल किया जाए. पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, ये बातें मेरे इल्म में नहीं, लेकिन सोचा ये था कि ऐसा होना चाहिए. मैथमेटिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री और या वर्ल्ड सिविलाइजेशंस, ये कितना जरूरी है इस जमाने में. एक शख्स को पढ़ा लिखा नहीं समझा जा सकता जब तक कि वो दुनिया के बारे में भी जानता. आखिर सिर्फ अपना सब्जेक्ट जानना, अगर आप सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स जानते हैं या सिर्फ इम्यूनोलॉजी जानते हैं, यू नॉट एजुकेटेड. यू हैव टू नो अबाउट द वर्ल्ड. तो इसके लिए इंतजामी उमूर की भी जरूरत है, एक अलहदा एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है. दूसरी यूनिवर्सिटी, जब बाहर की यूनिवर्सिटियों में देर इज यूजली ए डीन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, और खली खान यहाँ पर हैं, वो भी आपको बताएंगे उनका उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में. फिर यहाँ पर फिर बाहर की दुनिया में एक काउंसलिंग का रोल भी होता है. उसमें एकेडमिक एडवाइजिंग होती है. एकेडमिक एडवाइजर आपको बताता है कि अगर आपका ये शौक है तो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, और वो कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में भी इल्म रखता है, उसको पता है कि कहाँ अच्छे कोर्सेज होते हैं कहाँ नहीं होते हैं. और साथ साथ वो ये भी बताता जाएगा कि देखो अगर तुम्हें निकल कर जॉब्स भी चाहिए तो ये फील्ड उस के मुकाबले में बेहतर है. सो एकेडमिक एडवाइजिंग इज इंपॉर्टेंट बाय इटसेल्फ. लिहाजा हमारी सिफारिशात में ये था कि हम दूसरे डिपार्टमेंट से ये मालूम करेंगे कि वो अपने कोर कोर्सेज को वो कौन से कोर कोर्सेज चाहते हैं. मतलब ये कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा अहम उनमें से कौन कौन से हैं जिनको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाना जरूरी है. और जाहिर है कि कुछ तो मुश्तरक होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह, इंग्लिश. और हर डिपार्टमेंट को ये हिदायत भेजी गई थी, ये हमने उनसे गुजारिश की थी कि आप जल्द से जल्द ये हमें फराहम करें. बाद में फिर नाहल ये प्रोग्राम कुछ सुस्त हो गया, इसलिए ये फंडिंग नहीं थी, मगर आखिरकार ये शुरू हुआ. मैं अपनी बात यहाँ रोकता हूँ क्योंकि अब मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बाद हुआ क्या. तो आइए कुछ इंसान बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज मुकबर साहब. अब मैं अपने दूसरे स्पीकर डॉक्टर एस खुर्शीद हसनैन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ. डॉक्टर खुर्शीद हसनैन ने अपनी पीएचडी फिजिक्स में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी यूएसए से हासिल की. उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड, नेशनल मैग्नेट लैब MIT, ब्रुक हेवन नेशनल लैब और नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स में काम किया. उन्होंने 1986 में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और 2000 में वो फुल प्रोफेसर बने. 2010 से 2013 तक वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे और 2013 से 14 वो डीन रहे नेचुरल साइंसेज के. और उसके बाद कायदे आज़म के बाद 2014 से 2016 तक उन्होंने NCP में काम किया. करेंटली डॉक्टर एस खुर्शीद हसनैन कॉम्सटेक में होते हैं. डॉक्टर खुर्शीद हसनैन को भी काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें सलाम प्राइज इन फिजिक्स, यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, प्रेसिडेंशियल प्राइड परफॉर्मेंस अवार्ड और सितारे इम्तियाज शामिल हैं. अब मैं डॉक्टर खुर्शीद हसनैन को दावत देना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने ख्याल का इजहार करें.
वालेकुम। इससे पहले कि मैं इस आऊं इस दुबई दास्तान की तरफ कि हालात यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, चंद उमूमी बातें तालीम के हवाले से आपने सवाल भी किया है कि क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बीएस प्रोग्राम, उसके बारे में परवेज साहब ने तकरीबन तफसीली बात कर दी। एक बात, एक दो बातें छोटे पॉइंट्स में इजाफा करूँ। इसको वो देखिए ना कि तालीम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पिरामिड की तरह से होता है, एक यानी इसका ब्रॉड या वसी इसका बेस होता है, जिसके मानिए कि बहुत सारे लोग उस लेवल के ऊपर पढ़ रहे होते हैं जो कि आपके नज़दीक के नीचे प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है। उसके बाद फिर आप आते हैं ऊपर के लेवल्स की तरफ, इसमें के बीएस प्रोग्राम जो है, और उसके बाद आते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम की तरफ। ये तीन जो मेन टीयर्स हैं एजुकेशन के, उसमें बतदरीज नंबर कम होते जाते हैं स्टूडेंट्स के, और वो इसलिए होता है कि माशरे की ज़रूरत भी उसी लिहाज से होती है। इट डज नॉट नीड दैट लार्ज नंबर ऑफ पीएचडीज एज इट नीड्स मोर बीएस एंड इट नीड्स मोर ऑफ द अदर लेवल्स की मैं बात चाहता था करना। तो ज़ाहिर है कि ये भी सोचना चाहिए कि एजुकेशन को प्रॉपरली प्लान किया जाता है स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और तादाद के लिहाज से भी, के कितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने हैं, जरूरत कितने लोगों की है, किस तरह की। तो हमारा जो एक अलमिया है वो ये कि हमारी एजुकेशन कम्प्लीटली एक हैजर्ड और अनप्लान चीज़ है, जिसमें कि जिसका जो की जाता है वो कोई मिनिस्टर साहब है उन्होंने अनाउंस किया ये अंकल से ये कॉलेज है यूनिवर्सिटी बन गया है, ये यहाँ पर नई यूनिवर्सिटी कायम हो रही है। ये चीज़ें जो होती हैं इसमें एक तो ये आपके पास इतना स्टाफ नहीं है, इतनी फैकल्टी नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप इदारे खोले चले जा रहे हैं जिनकी लोग पढ़ाने वाले भी अगर प्रॉपर नहीं हैं और इतने ग्रेजुएट्स की आपके पास खपत नहीं है। जहाँ मैं आजकल काम करता हूँ वहाँ पर बात जिम्मेदारी में शामिल देखना यह है कि किस कसर की मैन पावर की जरूरत होती है डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज को। तो खैर इस्लामिक कंट्रीज एक तरफ करें, दुनिया की आप बेहतरीन ममालिक देख लें, तरक्की याफ्ता देख लें, वहाँ पर आपको हमारे से नहायत ही मुख्तलिफ मैन पावर स्ट्रक्चर दिखेगा। जितनी इनरोलमेंट है यूनिवर्सिटियों में हायर एजुकेशन में उससे 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा इनरोलमेंट है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, स्किल ओरिएंटेशन के अंदर। मार्केट में जॉब्स जो हैं, इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो है वो बड़ी हद तक इस पर डिपेंडेंट है कि आपके पास स्किल्ड टेक्नीशियंस कितने हैं। स्किल्ड टेक्नीशियन जो हैं ये हर कसम के आजकल दुनिया में होते हैं, बाल काटने वाले से लेकर खाना पकाने वाले से लेकर और कंप्यूटर टेक्नीशियन से लेकर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर सबको सर्टिफाइड होना पड़ता है, दे हैव टू हैव प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन। यही वजह है कि आपकी मैन पावर अब गल्फ में भी जा रही है, वो सिर्फ जा रही है एज लेबरर्स। अब वो इस काबिल भी नहीं समझे जाते कि उनको होटलों के रिसेप्शन पर रखा जाए, इसलिए अव्वल अंग्रेजी कमजोर है और दो ये कि वो भी मानते हैं कि आपके पास कोई 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा हो। तो इस पर भी गौर कीजिएगा अपने सोचते हुए कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ जो मैं उस्ताद रहा हूँ 30 साल तक, जिनको कोई ख्वाहिश नहीं है हायर एजुकेशन करने की पर से, दे वॉन्ट टू हैव ए डिसेंट लिविंग। और तरह के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके पास लाइफ पसंद की जॉब हो, टेक्निकल जॉब हो, लेकिन हम उनको मजबूर करते हैं कि वो 4 साल 6 साल पहले वो बीएससी करें, फिर वो एमएससी करें, फिर वो एमफिल करें, एंड अगेन दे एंड अप विद नो टेंजिबल स्किल्स एंड नो टेंजिबल मार्केट प्लेस। तो अब ये सारी एजुकेशन जो है वो है मार्केट ओरिएंटेड। ठीक है कि इसमें तहकीक का शौक और इल्म का शौक यकीनन होता है, 10% लोगों को होता है, वो चाहते हैं पढ़ना इसलिए कि वो चाहते हैं कि फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज पर काम करें, उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन वो एक स्मॉल परसेंटेज होती है। एक बड़ी परसेंटेज आप में से जो है जाहिर है वो देखती है तालीम को एज कि वो एक जरिया रोजगार बनेगी, इसके माने ये कि प्रॉपर स्किल्स दी जाएंगी। और ये की एलिमेंट है गुफ्तगू का कि स्किल्स आप क्या देते हैं। और वैसे आपने जिक्र किया इस बात का कि हम जाहिर है नॉलेज बेस इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं, जाहिर वो करते हैं और हमारे बड़ा काम होता है ऐसे उस्ताद के कि आपकी नॉलेज बेस में इजाफा करें। साथ ही जाहिर है कि तालीम का दूसरा हिस्सा ये होता है कि आपको कौन सी स्किल्स दी जा रही हैं। कैलकुलेशन भी एक स्किल होती है, एनालिसिस एक स्किल होती है,
हिस्ट्री पढ़ने में भी आपको स्किल मिलती है तारीखी वाकयात को जोड़ के उसमें से ये निकालने की, मेंटल स्किल्स हैं, कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं, हाथ के स्किल्स हैं. सो ऑल दिस हैज टू बी थॉट ऑफ कि कोई भी लेवल है प्रोग्राम का, चाहे वो बैचलर्स प्रोग्राम है, मास्टर्स है, पीएचडी है, उसके अपने मुरव्वजा और मुत्तफ़िका स्किल्स का सेट होता है. अगर आप ए लेवल्स के एग्जाम्स को देखें या ओ लेवल्स के देखें तो आपको ये मिलता है कि जब उनकी पेपर्स बनाए जाते हैं एग्जाम पेपर्स, तो उसके साथ लिखा होता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड जो हैं डेवलप करने की ये हैं, और ये आपको चेक करनी है इम्तहान में. हमारा अहमियत ये है कि हम पढ़ाते हैं इस ट्रांसफर करने के लिए इंफॉर्मेशन, और हम एग्जाम इनफॉर्मली ठीक हो जाता होगा कि स्किल्स भी हम पास चेक करते हैं, लेकिन कोई हमारे पास वाजे नहीं होती डेफिनेशन कि हम इस लेवल एजुकेशन के ऊपर क्या स्किल्स देना चाहते हैं. जब आदमी निकले वो डिग्री लेकर तो उसके पास क्या स्किल सेट है, और वो स्किल सेट ऐसा होना चाहिए कि जो कि मार्केटेबल हो किसी जगह पर. तो ये तो कुछ मुहिम बातें थी इस कॉन्टेक्स्ट में सोचने के लिए कि ये प्रोग्राम जैसे भी आगे बढ़े, इस पे जो लोग अब यहाँ फैकल्टी बने उन्हें चाहिए कि वो इस बात पर जरूर गौर करें कि आपको क्या स्किल सेट लेना है. हम सिर्फ गौर करते हैं करिकुलम के ऊपर, करिकुलम के साथ में स्किल सेट डिफाइन करना जरूरी है कि जो यहाँ से तालिबे निकले बीएस करके एमएस करके उसके पास कौन कौन सी स्किल्स किस लेवल तक होनी चाहिए. अच्छा, इसके बाद मैं इस पर आता हूँ कि ये प्रोग्राम उस तरह से क्यों नहीं तय पाया और क्यों नहीं चल रहा जिस तरह से कि इसको इन्विजेज किया परवेज साहब ने और उस टीम ने जिसने इस पर काम किया 2007 से लेकर 9 तक. इसको समझने के दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा, कुछ तो सब जानते हैं और शायद एक दो लोगों को इतराज़ भी हो, लेकिन वो फैक्ट्स हैं. पहली चीज़ है यूनिवर्सिटी का हर प्रोग्राम जो है एकेडमिक प्रोग्राम, उसको पास होना पड़ता है मुख्तलिफ बॉडीज से. पहली बॉडी कहलाती है बोर्ड ऑफ फैकल्टी, वो एक फैकल्टी की होती है और हर फैकल्टी की अपनी बोर्ड ऑफ फैकल्टी होती है. तो प्रोग्राम डिपार्टमेंट्स से चलता है और जाता है बोर्ड ऑफ फैकल्टी की तरफ. वहाँ पे सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उस फैकल्टी के वो बैठ के उसके ऊपर हॉस करते हैं, उस पर अपनी राय देते हैं, और फिर वहाँ से अप्रूव होके वो जाता है अकेडमिक काउंसिल में, जहाँ पर के तमाम यूनिवर्सिटी तमाम फैकल्टीज के लोग होते हैं, प्रोफेसर साहिबान होते हैं, तमाम डीन्स होते हैं, और वाइस चांसलर उसको चेयर करता है, और वहाँ से उनकी बात की जाता है वो सिंडिकेट में, जहाँ पर कि उसकी अकेडमिक जो टेस्ट नहीं होती, उसकी इम्प्लीकेशन फाइनेंसिंग उसके, और कोई अगर कोई सोसाइटी को इसकी इम्प्लीकेशन है तो वो सिंडिकेट में उस पर फिर बात होती है और फाइनली वो अप्रूव होता है इस फॉर्म में. एक ये ध्यान रखें इस फैक्टर को समझने के लिए कि चीज़ें वहाँ पर क्यों नहीं गईं जहाँ पर जाना चाहिए था. सेकेंडली एक बात याद रखें या समझने की बात ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी की बेशतर जो फैकल्टी है 90% मतलब होगी जो इस प्रोग्राम से खुद कभी गुजरी नहीं है, जिन्होंने बल्कि पढ़ा भी नहीं है उस प्रोग्राम में जहाँ पर कि बीएस फोर प्रोग्राम लागू होता है. शायद परवेज साहब और मैं इसलिए ज़्यादा समझते हैं इस प्रोग्राम को बाज लोगों की नस्बत कि हमने वहाँ पर पढ़ा है या वहाँ पर काम किया है जहाँ पर यह प्रोग्राम चल रहा था. इसलिए इसकी क्या स्पिरिट है वो समझने की हद के लिए बहुत हद तक इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी जो है वो तैयार नहीं है, आज तक तैयार नहीं है. मैं इस पर बाद में कांग्रेस इशू के ऊपर, ये एक फैक्टर है कि वो अभी तक समझ नहीं सके हैं कि प्रोग्राम होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसको चलता कैसे है. वो अब तक सोचते हैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट अपने रिसर्च ग्रुप के हवाले से कि आई नीड सो मेनी स्टूडेंट्स इन टू ईयर्स टाइम जो कि मेरे साथ मिलकर रिसर्च कर सकें, तो मुझे क्या इंटरेस्ट इस बात से है कि उनके उन बायोलॉजी को आती है कि नहीं आती है, मुझे से क्या इंटरेस्ट है कि उनको हिस्ट्री आती है कि नहीं आती है. वो इस नेज पर सोचते हैं. वो अगर केमिस्ट्री के हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो केमिस्ट्री को भी देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की चाहिए मुझे आनी चाहिए. तो वो अभी तक उस कॉन्टेक्स्ट में आई नहीं है कि इस दौर में जो हायर एजुकेशन है उसमें कितनी इंटीग्रेशन हो चुकी है. अब कितनी जरूरत है एक बायोलॉजिस्ट को कि उसको फिजिक्स समझ में आती हो. अब केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री रह गई है जिसमें कि आपको जरूरत नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स समझने की, क्वांटम मैकेनिक्स को. लेकिन हमारा जो केमिस्ट्री है वो मुसिर है कि मेरे मानी केमिस्ट्री की जो है वो सिंथेसिस है या उसकी स्ट्रक्चर के एनालिसिस है.
अब ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे फैकल्टी की सोच में कि वो अब तक समझ नहीं पाए हैं कि अब आज के दौर में इस तरह की कंपार्टमेंटाइजेशन जो है वो एक बहुत ही आखिर के लिए जाके हो सकती है कि आप कॉस्मोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू नो अकरनेस मैटर फिजिक्स में क्या हो रहा है, फर्क या केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, लेकिन ये बिलूम ऐसा नहीं है। बिलूम जो काम हो रहा है उसमें बस क्या मटीरियल साइंस ले लें, हाउ कैन यू डू मटीरियल साइंस विदाउट नोइंग केमिस्ट्री, विदाउट नोइंग सम बायोलॉजी एंड ऑफकोर्स a lot of physics and a lot of something of engineering. अब ये भी सिचुएशन है कि अब जो लोग निकलते हैं इतना प्रेशर है हर फंडिंग बॉडी का कि आप अपने रिसर्च को किसी तरह से लिंक करें इकोनॉमी के साथ में। इनोवेशन जो है आजकल बस वर्ड है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, दिस इज नाउ द बस वर्ड, यू नो इट बिकॉज वी बी रूटीन टू इट एवरी डे। अब ये फंडिंग इस लिहाज से होती ही नहीं है कि आप ये कह रही कि मुझे शौक है ये करने का, आपको साबित करना होता है कि इसको ये आगे आकर लीड करेगा टू समथिंग ऑफ बेनिफिट टू सोसाइटी। इसलिए जरूरी है कि जो आपके ग्रेजुएट्स हैं उन्हें कुछ तो पता हो साइंस के ग्रेजुएट्स को कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं, मैक्रो पॉलिसीज क्या होती हैं, कुछ तो पता हो उनको, फंडिंग कहाँ से आती है, प्राइवेट सेक्टर क्या चीज़ होती है, उसे कैसे अट्रैक्ट किया जाता है वगैरह। तो इस तरह से और आपको जो साइंस की अपनी जरूरियात हैं कि सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग हो चुके हैं। अब इस वक्त जो काम बायोलॉजी में हो रहा है उसमें बढ़ता जा रहा है रोल जो है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, समझना उसको पॉसिबिल ही नहीं है। कैसे समझेंगे आप मेंटल स्ट्रक्चर्स को, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, मेमोरी को, अगर आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है न्यूरल नेटवर्क्स की, मेंटल स्ट्रक्चर्स की। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये जो है ये कोई किसी का शौक नहीं है कि पढ़ा देंगे इनको ये पढ़ा दें, शौक की बात थोड़ी सी, ये जरूरत बन चुकी है, इस दौर की जरूरत है कि आपका जो ग्रेजुएट है उसका एक ब्रॉडर बेस होना होता है, वरना वो आगे चलकर उसके रास्ते बहुत ही महदूद हो जाएंगे उसके। तो खैर ये मजबूरी इस प्रोग्राम की रही कि फैकल्टी उस तरह से इसको ऑन करने की कैपेसिटी उसके अंदर बड़ी लिमिटेड है इस वक्त। थर्ड की जो एक है बात है जो कि जहाँ पे काम कर चुके हैं यूनिवर्सिटी में जानते हैं इस चीज को कि इसका एक जो अहमियत है वो ये है कि यहाँ पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कोई तसव्वुर नहीं है, लॉन्ग टर्म कोई तसव्वुर नहीं है। यहाँ पर एक नहायत ही टूटा बज्जा सा एक डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, प्लान P&D डिपार्टमेंट के नाम, जहाँ पर के कुछ क्लर्क्स जो हैं वो बना गए। इस वक्त शहर की तमाम जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं दे हैव गॉट वेरी विगरस, वेरी लार्ज, वेल ऑर्गेनाइज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शंस, जहाँ पर लोग लेते हो उन्हें हायर करते हैं, सिर्फ इस पोजिशन पर हायर करते हैं, हायर स्केल्स पे लेते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन होती हैं और यूनिवर्सिटियाँ अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं कि हमें 5 साल बाद यहाँ होना है, 10 साल बाद यहाँ होना है, हमें इतने लोग पैदा करने इस एरिया के, हमें डिपार्टमेंट बंद करने, हमें ये खोलने, यहाँ हर चीज़ इस तरह होती है। और कैसे होती है, कोई DC आता है, अब ये बिल्कुल मैं एक बात कह रहा हूँ, शायद ये थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल होगी हमारे DCs के बारे में, लेकिन दिस इज द एटीट्यूड। जो DC आता है उसका 4 साल होते हैं, वही देखता है कि मुझे 4 साल में मैं कोई नई चीज़ करूँ यहाँ पर, मैं कह सकूँ कि मैंने मेरे CV में आ जाए कि मैं यहाँ पे VC था और मैंने 4 साल में ये नई फैकल्टी कायम कर दी, ये डिपार्टमेंट मैंने कायम कर दिया, ये चीज़ मैंने जो है बड़ी कर दी, बगैर ये देखे हुए कि कोई किसी लॉन्ग टर्म प्लान का वो हिस्सा है, बगैर ये देखे हुए कि उसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी आपके पास फैकल्टी है उस चीज़ के लिए, है नहीं है, डिपार्टमेंट्स खोलने का शौक, फैकल्टीज खोलने का शौक, प्रोग्राम खोलने का शौक इसलिए होता है कि सी पर याद है कि मैंने अपने दौर में ये चीज़ शुरू करा दी, ताकि अगली नौकरी जो है उसके लिए मैं दिखा सकूँ कि मैंने ये काम करके मैं आ रहा हूँ। ये बेसिकली अंडरलाइन प्रिंसिपल रहा है पिछले कई PCs का, हर मैंने साथ में काम किया, उनके बहुत करीब से काम किया, देखा है कि वो पुश हो रहे थे फैकल्टी फाइन करने के लिए। अब यही सिलसिला हुआ BS प्रोग्राम के लिए कि जिस वक्त ये टीम यहाँ से गई तो पहला तो मसला ये हुआ कि इनके बनाए हुए प्रोग्राम को VC ने अप्रूव किया, कमिटी साइड की उसने साथ में बैठ के चेयरमैन के उसको डिस्कस किया, चेयरमैन ने कोई उस पर कोई इनपुट मीनिंगफुल नहीं दी और वहाँ आकर वो चीज़ रुक गई। उसके बाद VC जो थे
वो चले गए मेरे ख्याल में, और वो एक डॉक्यूमेंट तो मौजूद था लेकिन किसी बॉडी ने उसको अप्रूव नहीं किया, यूनिवर्सिटी कहीं पेश नहीं किया गया वो। अब हम आ गए यहाँ से कुछ 2010 के साल में, जबकि मैं यहाँ पे चेयरमैन हो गया फिजिक्स में, नए वीसी साहब आ गए, उन्होंने उस प्रोग्राम को टोटली डिस्काउंट कर दिया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बहुत वक्त लेगा, ये तो है नहीं सकता, ये कुछ कमानेगा नहीं, और वो ये पुश करने लगे कि डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअली अपना फोर ईयर प्रोग्राम स्टार्ट करते, बिल्कुल डिस्काउंट करके उस चीज को। एकेडमिक काउंसिल में भी बात गई, वहां पर भी यही उन्होंने राज अलापा के, ये तो अजीब सी रिपोर्ट है, किसी को पैसे दे दिए इतने कराने के लिए, उन्होंने बताया गया कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई गई है वगैरह, फिर भी खैर उन्होंने उस प्रोग्राम को ऑन करने से इनकार कर दिया। उस पर जो टीम थे उनको बिल्कुल खास इंटरेस्ट नहीं था इस प्रोग्राम में, लेकिन ये था किसी का कि होना है प्रोग्राम, फोर ईयर प्रोग्राम होना है, लेकिन डिपार्टमेंट शुरू कर दें। खैर इसको हमने रोक दिया, तो अल्टीमेटली ये हुआ जो 13 तक हम पहुंच गए, जबकि इस पर ये बात शुरू की चलिए प्रोग्राम बीएस का शुरू होना है, और जो गाइडलाइंस फराहम किए हैं इस प्रोग्राम के लिए HEC ने, उन गाइडलाइंस को आगे लेकर चलते हैं, उसमें भी कोई ऐसी खराबी नहीं थी पर गाइडलाइंस के अंदर, बाय द वे जो बातें प्रवेश साहब ने की हैं कि एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास अपने फैकल्टी डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं, फिर फैकल्टी के कोर्सेज हैं, फिर फैकल्टीज बाहर के कोर्सेज हैं, वो सब चीज़ें हैं HEC के प्रोग्राम में भी मौजूद हैं, इन प्रिंसिपल उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है इस प्रोग्राम में। तो फिर हमने शुरू किया इस पर काम करना, उस वक्त मैं डीन नहीं था, कमेटी के चेयरमैन था जो काम इस पर कर रही थी। बाई टाइम 13 आया तो मेरे पास कुल 11 महीने बाकी थे अपनी टेन्योर के, और मेरी ख्वाहिश थी कि ये प्रोग्राम जो है किसी तरह से हम इसको ले आए इस पॉइंट तक कि कम से कम लॉन्च हो जाएंगे। तो चूंकि मेरे बाद में मालूम था कि और भी जो लोग हैं हम उससे भी कम जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, तो फिर ये जब ये प्रोग्राम के उस 11 महीने में काम ही था कि पूरा स्ट्रक्चर भी अपना डिजाइन करें, अप्रूव कराएं फैकल्टी से और चेयरपर्सन डिपार्टमेंट से, सारे कोर्सेज भी डिजाइन कराएं डिपार्टमेंट्स करेंगे, और कुछ कोर्सेज बिल्कुल ही जो कि नए थे, मसलन ये कि हमने मैथमेटिक्स के कोर्सेज बनाए जो कि नॉन उन लोगों के थे जो कि मैथमेटिक्स के वो नहीं है या प्रिंसिपल नहीं है जिनका वो कोर्सेज जो मैथमेटिक्स वालों को पढ़ने हैं वो तो अलग हैं, जो पढ़ने नॉन मैथमेटिक्स लोगों को वो अलग हैं, ऐसे कोर्सेज फिजिक्स के, ऐसे कोर्सेज पाक स्टडीज़ के, इस्लामियात के, हिस्ट्री के जो हमारे कंपल्सरी थे, इकोनॉमिक्स का, साइकोलॉजी का, ये सब चीज़ें रखी गई थी, या उसका हाँ जी इकोनॉमिक्स का हो गया मार्केटिंग, तो ये सब चीज़ें रखी गई थी कि ये कोर्सेज खास अलग से डिज़ाइन किए गए। मुझे याद है कि हमने बड़ी मेहनत से कोर्स बनवाया था हिस्ट्री का पाक स्टडीज़ के नाम से, जिसमें हमने मुरव्वजा जो अंदाज है उससे हट के हमने बनवाया था पढ़ाई इन्वेंटिव किस्म का कोर्स हिस्ट्री का और पाक स्टडीज़ वगैरह का, ताकि वो आपको बेहतर पिक्चर दे। इस तरह से और भी कोर्सेज थे, लेकिन जहाँ पहुँच कर मामला फंसा एक्चुअली, और सबसे बड़ी खराबी जो इस प्रोग्राम की है पर्दे साहब ने पॉइंट आउट उसमें किया कि क्या उसकी होनी चाहिए सोच, वो ये कि जब स्टूडेंट एंटर करता है बीएस प्रोग्राम में तो वो किसी एक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट नहीं होता, वो एक फैकल्टी का स्टूडेंट होता है, और इसीलिए होता है कि दो बातें इसमें होती हैं। दूसरी पहली बात है कि स्टूडेंट डज नॉट नो वेयर हिज इंटरेस्ट आर गोइंग टू लाई इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, वो तो बिल्कुल हाई स्कूल से निकल के आ रहा है, वो 18 years का बच्चा जो है, तो एक दिन तक उसे मौका मिले कि वो मुख्तलिफ मजामी किसी हद तक पढ़ ले, उसके बाद फैसला कर ले साल के बाद 2 साल के बाद मैक्सिमम कि ये उसकी ओरिएंटेशन है। सेकेंडली उससे ज़्यादा अहम बात आती है, उतनी अहम बात ये होती है कि फैकल्टी को प्रेफरेंस शो ना करे कि ये तो ग्रुप जो है ये तो हमारा अपना ग्रुप है फिजिक्स का, इनको तो हम खास तवज्जो देंगे, और ये तो आ गए केमिस्ट्री वाले आ गए, ये अर्थ साइंस वाले आ गए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए, इनको हम पढ़वा लेंगे किसी को बाहर से बुलाकर। ये सब हो रहा है कि हमने जो है लोग हायर कर लिए कंटेम्प्रेरी का विजिटिंग फैकल्टी बुलाया उसे पढ़वा लिया, चूँकि हमारे स्टूडेंट्स हैं नहीं है। तो ये दो खराबियाँ जो हैं इनको रोकने का तरीका ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं होता, सबका स्टूडेंट होता है वो, और जहाँ उसके इंटरेस्ट लाए करते हैं वहाँ जाता है। हमने यही प्रपोजल रखा बोर्ड ऑफ फैकल्टी में कि देखिए इस तरह से इसको चलाया जाएगा कि स्टूडेंट आएगा
इनिशियली किसी डिपार्टमेंट का नहीं होगा और फिर बाद में सेलेक्ट करेगा और सब उसको करेंगे। इसके ऊपर अलावा शर्मिन खान ने एक डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। मिसालें हमें दी गई कि देखिए फला जगह पर ये हो रहा है फला हो रहा है, तो हमने ये कहा कि ये कोई ऐसे अजीम मिसालें नहीं हैं, आप जाकर जरा बेहतर यूनिवर्सिटियाँ देख लीजिए, आप नक्स में जाकर देख लीजिए, आप बाहर जाकर देख लीजिए वहाँ पर कैसे होता है फूल प्रोग्राम। लेकिन इसके ऊपर इतनी वो सख्त किस्म की रेजिस्टेंस थी कि जिसके बाद में सामने ये रास्ता दो रास्ते थे, या तो इस प्रोग्राम को हम अबैंडन कर दें कि ये फैकल्टी नहीं मान रही इस पर हम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, या हम कॉम्प्रोमाइज करें इस हद तक कि हम कहें अच्छा भाई ठीक है आप एंट्रेंस इनको कर ले लें एक डिपार्टमेंट में और उसके बाद इनको ऑप्शन एक पास होगी कि एक साल बाद या दो साल बाद तक ये अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। तो उसमें एक नंबर फिक्स किया गया था कि इतने परसेंट तक लोग जो है चेंज कर सकते हैं, 25% था कितना था ताकि लॉजिस्टिकली। तो इसमें खास जो था खतरा था छोटे डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है छोटा जो साइज में बाज डिपार्टमेंट्स हैं बाज अपने अपनी एक्टिविटी के लिहाज से या अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार डिपार्टमेंट्स थे यहाँ पे। उन्हें फिक्र ये थी कि अगर ये हुआ कि ये बड़े डिपार्टमेंट सबको खींच के ले जाएंगे, तो बजाय इसके कि वो देखते इस तरह से कि भाई हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करेंगे, हम अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करेंगे, हम अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, उन्होंने इस पर स्टैंड लिया कि तो हम क्यों नहीं देंगे इसको। सो अल्टीमेटली ये फैसला हुआ चले ठीक है इसको आप एडमिशन करेंगे डिपार्टमेंट वाइज बट विद दी प्रोविजन के अगर स्टूडेंट चाहेगा साल के बाद उस साल के बाद तो वो चेंज कर सकता है, उसमें कुछ कोर्स करने पड़ेंगे उसको एक्स्ट्रा के सब तो बना लेगा कि कोर्स एक्स्ट्रा करेगा इतना करेगा। तो यहाँ आकर इस प्रोग्राम की बुनियाद जो है वो गड़बड़ हुई इस पॉइंट के ऊपर। और उसके बाद यही जैसा कि आप लोग जानते हैं बेहतर डिपार्टमेंट्स ने इसको इसी तरह ट्रीट किया कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं या इस तरह जो कि अपने तरफ आने आएंगे दो साल के बाद उनके लिए फिर भी उन्होंने बेहतर एक रखा रवैया टीचिंग का और बाकी को उन्होंने जो है और तरह से ट्रीट किया। और उसका अंजाम ये हुआ है कि मैं खुद गवाह हूँ उसका, मैंने पढ़ा है पिछले दो साल यहाँ पर जब एज ए विजिटिंग फैकल्टी एम एस सी लेवल के कोर्सेज में जब स्टूडेंट्स बी एस करके यहाँ आ गए थे कि उनका जो लेवल था मैथमेटिक्स का वो इंतहाई कमज़ोर था, इतना कमज़ोर था कि इतने साल मैंने पढ़ाया मैंने कभी इतनी कमज़ोर क्लास मैंने कभी नहीं पढ़ाई मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बाद जितना कि मैंने बी एस के स्टूडेंट्स को देखा है जो उन्होंने वो कोर्सेज एम एस सी के मेरे साथ में किए हैं। और उसका उनका कहना ये था हमें चीज़ पढ़ाई नहीं गई, पढ़ाई भी नहीं था हमें बस लिखवा दिया गया हमने कॉपी कर लिया हमने हमसे नोट्स की फॉर्म में ले। तो ये उसके नुकसान जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि अगर फैकल्टी एक डिपार्टमेंट की अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं करती सही अंदाज में तो जाहिर है कि वो फिर कमजोरियाँ जो उनकी अगर मैथ का स्टूडेंट जो है फिजिक्स पढ़ने आया क्या उसको आप फिजिक्स प्रॉपरली नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ कहीं भी उसकी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स की उसको मैथमेटिक्स में तो वो काम करेगा किसी ऐसे एरिया में ऑब्वियसली वो वहाँ पे वीकनेसेस उसकी वासे होंगी। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इस तरह से हो रही हैं। सेकेंडली उस वक्त हमने बहुत लड़ झगड़ के बहुत जिद करके वाइस चांसलर के साथ में टीचिंग असिस्टेंट्स का हमने रखा था, ये था कि क्लासेज इतनी होंगी ट्यूटोरियल इतने होंगे ये सब चीज़ें टाइम टेबल का हिस्सा थी पहले साथ जब मैंने टाइम टेबल बनवाया पहले साथ का। हमने उनके लिए पैसे खास मुख्तस करवाए टीचिंग असिस्टेंट्स के लिए उनकी ड्यूटीज डिफाइन करवाई तरीका रखा कैसे की जाएंगे, चूँकि ये प्रोग्राम नहीं चलता बगैर टीचिंग असिस्टेंट्स के। ये प्रोग्राम जान चलता है दुनिया भर में वहाँ अलावा आपके काउंसलिंग परवेज साहब ने साथ साथ हर कोर्स के टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं वहाँ पर। रिवाज ये होता है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं पीएचडी के वो काम करते हैं टीचिंग असिस्टेंट्स। हम ये भी कोशिश की कि जो स्टूडेंट्स एचईसी से फंडिंग ले रहे हैं पीएचडी की आप उन्हें रिक्वायर करें कि वो यहाँ पर टीचिंग करें, उनके लिए अच्छा है ये उनके सीवी पर आएगा उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। फैकल्टी इस पर तैयार नहीं हुई कि उनको बगैर गरीबी हमारे सर पर खर्च पड़ेगा, पर दुनिया भर में स्टूडेंट्स काम करते हैं वो टीचिंग असिस्टेंट कहलाते हैं टीचिंग असिस्टेंट्स, वो रिसर्च भी करते हैं अपने कोर्स भी लेते हैं और वो टीचिंग में असिस्ट भी करते हैं इस तरह से वो देते ट्यूटोरियल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं स्टूडेंट हम इंटरेक्ट करते हैं उनको आसानी होती है क्लासेस बड़ी बड़ी होती हैं। अभी भी यहाँ मसला था कि हमने इस बात का क्लासेस का साइज बड़ा हो सेक्शन मत बनाया आपके पास अगर 150 स्टूडेंट्स पढ़ रहा है फिजिक्स
टारगेट्स वही क्लास रखी उसकी पूरी पुट इन द बिग ऑडिटोरियम गेट अ गुड टीचर और वो नहीं करे बाद में आप उसको डिवाइड करते सेक्शंस में इन ट्यूटोरियल सेक्शंस लेकिन कुछ तो मसला ये था कि उस जो बिल्डिंग थी वहाँ पर इतनी बड़ी इतना बड़ा हॉल वहाँ पर नहीं था अवेलेबल 150 का देखो कुछ एक लोग तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए कि हैंडल कैसे करें क्लास को साइज में तो ये कमजोरियाँ बेसिकली फैकल्टी की तरफ से आई बहुत सारी उनकी जो रिलक्टेंस थे उनकी जो अपनी अनविलिंगनेस है उसकी जो प्रोग्राम की शक्ल बदलती चली गई वो सेक्शन बन गए क्लासेस के और टीचिंग असिस्टेंट जो कि उस साल पहले साल में थे बाद में मेरे ख्याल में हमने ख्याल मैंने सुना ये है कि अब टीचिंग असिस्टेंट्स का तरीक़ाकार जो है वो राइज नहीं है उस तरह से है सच है नहीं मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा जनरली बात कर रहा हूँ जनरली वो राइज नहीं है अगर वो जनरली राइज नहीं है तो और डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ रहे हैं कैसे क्या वो सिर्फ क्लास लेते हैं लेक्चर सुनते चले जाते हैं कैसे उनके असाइनमेंट चेक होते होंगे हाउ कैन अ टीचर चेक सो असाइनमेंट्स एवरी वीक ये पॉसिबल ही नहीं है असाइनमेंट्स चेक करते ही या टीचिंग करते हैं टीएस चेक करते हैं इस लेवल के ऊपर तो अब ये इस तरह की खराबियाँ जो उसमें आई हैं कुछ तो स्ट्रक्चरली आई हैं खराबियाँ इस प्रोग्राम के अंदर लेकिन बेसिकली ये खराबियाँ इस चीज़ की हैं कि यहाँ की फैकल्टी जो है वो बी एस प्रोजेक्ट प्रोग्राम को एज ए प्रोग्राम उसने उसको दिल से ओन ही नहीं किया है अभी तक उनकी नफ्सियात जो है वो काम करती है बी एस सी एम एस सी प्रोग्राम के हवाले से बी एस सी एम एस सी एम फिल पी एच डी यूँ देखते हैं वो कहते हैं जी लड़का आएगा बी एस सी का कराएगा एम एस सी में आएगा पढ़ाएंगे एम फिल में खास तौर पढ़ाएंगे वो उसकी उसको देख ही नहीं रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है वो सबका स्टूडेंट है जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है वो सबका स्टूडेंट है प्रिंसिपल वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है पढ़ने के लिए ये उसकी एक बहुत जाती सी उसकी एक प्रेफरेंस है आपके लिए चाहे आप किसी डिपार्टमेंट के हों हर स्टूडेंट आपका स्टूडेंट है ये हर प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी का आपका प्रोग्राम है जैसा कि इन्होंने कहा कि ये प्लान था कि ये इसको एंड कर देंगे और बिल्कुल यही चीज़ हमने अहम रखी थी कि फेजिंग आउट कैसे होगी यूनिवर्सिटी बिल्कुल लिखा हुआ था कि ये एडमिशन क्यों कम होते जाएंगे और अल्टीमेटली 5 साल के बाद खत्म अब मुझे नहीं क्या फेज आउट हुआ कि नहीं हुआ कहीं पर ठीक है अब इन्हें एक डिपार्टमेंट ने फॉलो किया और फेज आउट कर दिया बाकी डिपार्टमेंट के ना करने के मानी क्या है कि वो उन्होंने उस प्रोग्राम को उस तरह से ओन ही नहीं किया हाउ कैन यू रन द प्रोग्राम ये पॉसिबल ही नहीं है आपकी तवज्जो या तो हो सकती है इस चीज़ पर कि आपके पास एक लड़का आ रहा है हाई स्कूल करके लोग आ रहे हैं और उनको आप घूम करके ले जा रहे हैं एक तरफ ही करके या फिर ऑलरेडी आपके पास एक बंदा लड़के आए रहे हैं एक खास सोच के साथ में और उनको आपने स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया ये तो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यू कैन नॉट रन देम साइमल्टेनियसली द फैकल्टी आप पर इतनी है अगर इतने रिसोर्सेज हैं कि आगे कर सके पैरेलल आपको एक प्रोग्राम रन करना है और वो प्रोग्राम अब ज़ाहिर है कि इस पर इतफाक हो चुका है हर लेवल के ऊपर गवर्नमेंट के लेवल पर सोसाइटी के लेवल पर कि वो प्रोग्राम अभी बी एस प्रोग्राम है क्योंकि अब दुनिया उसको ऐसे ही देखती है कि आपका अंडर के पास हाई स्कूल का ग्रेजुएट है फिर आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट है एंड देन यू हैव ग्रेजुएट्स तो आप कहाँ खड़ा करेंगे इस तरह के प्रोग्राम को या बी एस सी वाला है फिर एम एस सी वाला है वो तो नहीं फिट होता पर्टिकुलरली अगर आपको करना ही है तो देन वो बैक टू द ओल्ड सिस्टम वो इससे बेहतर है पैरेलल ट्रैक में चलाना एमएससी प्रोग्राम और बीएस प्रोग्राम मीनिंगलेस है काउंटर प्रोडक्टिव है और दोनों प्रोग्राम खराब होंगे इसकी वजह से तो पहली चीज़ ये कि ये गुफ्तगू हम यहाँ पर कर रहे हैं तो फिजिक्स में कर रहे हैं स्टूडेंट्स के इनिशिएटिव पे कर रहे हैं इसको होना चाहिए डिस्कस एक ज़्यादा अभी मेरी गुजारिश है अपने साथियों से फिजिक्स के कि इसको आपको चाहिए कि एक बहुत सीरियस आइटम के तौर के ऊपर पुटअप करें टू द बोर्ड ऑफ फैकल्टी इनिशियली पुटअप करें इसको कि इस प्रोग्राम का एनालिसिस हमारा क्या है 4-5 साल नाउ यू हैव ट्राइड लाइक ऑलमोस्ट 5 ईयर्स और 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या हमारा एक्सपीरियंस है हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा कैडर कहाँ पे खड़े हो रहे हैं अभी चंद रोज पहले परसों लग मैंने देखा एक कॉम्पिटिशन जो हमारे कॉन्स्टेक में ही होल्ड हुआ था साइंस फाउंडेशन के तहत जिसमें एनवायरमेंटल साइंसेस के ऊपर एक क्विज कॉम्पिटिशन था एट यूनिवर्सिटी लेवल एंड आई एम सैड टू टेल यू दैट क्यूएयू वाज नॉक्ड आउट इन द वेरी फर्स्ट राउंड पहले राउंड में आपके स्टूडेंट नॉकआउट हो गए थे मुकाबले में इसी
शहर की 4-5 यूनिवर्सिटियों से। ये आपके लिए मतलब एक मिसाल है, उससे आप और जगह पे कामयाब हो रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए बात अलार्मिंग थी कि जो यूनिवर्सिटी से पैसे दी जाती है पूरे शहर में, बाद से पूरे मुल्क में, उसके बीएस के स्टूडेंट्स थे वो पहले राउंड में नॉक आउट हो गए मुकाबले में इसी शहर की निस्बतन कम मारूफ यूनिवर्सिटियों के। एनीवे, बात ये थी कि आपको चाहिए कि इस प्रोग्राम के मसाइल को और इस प्रोग्राम की जो आपके नज़दीक विजन है से प्रॉपरली आप इसको आर्टिकुलेट करें, प्रॉपरली इसको बहस करें और ये फैसला कराएं कि रखना कि नहीं रखना आपको इस प्रोग्राम को। अगर रखना है तो एमएससी को बंद करना पड़ेगा, उसके बगैर आपकी फैकल्टी इस तरफ आएगी नहीं प्रॉपरली। सेकेंडली, आपको अपनी फैकल्टी को भी किसी को तो एजुकेट करना होगा कि भाई इस प्रोग्राम का की स्पिरिट क्या है, इसकी जरूरत क्या है। मुझे लगता है जैसे कि हमारी बेहतर फैकल्टी इस प्रोग्राम की स्पिरिट और जरूरत दोनों से ना वो समझती है कि ये ऑर्डर निकल कर नहीं से आ गया है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूर्ण करना पड़ रहा है, इसके तहत ये प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। सो यू विल हैव टू टेक ए डीपर इंटरेस्ट इन हाउ टू ब्रिंग द फैकल्टी अराउंड एंड हाउ टू मेक द नेसेसरी चेंजेस। आपका फोकस बनना चाहिए। परवेज साहब ने कहा कि उनके यहाँ बेस्ट टीचर्स जो MIT के थे वो पढ़ाते हैं एट द अर्जेंट लेवल। ये बिल्कुल सही, यही अप्रोच होती है जगह जगह, क्योंकि आप समझ जाता है कि ये काम ज़्यादा मुश्किल है। जो जहन अभी पुख्ता नहीं हुआ, जिसकी भी ट्रेनिंग नहीं हुई, उसकी अभी सोच उस रास्ते पर नहीं आई जो किस फील्ड की है, उसको समझाना, उसको एक्साइट करना, उसको मोटिवेट करना ज़्यादा मुश्किल काम है। Best faculty वहाँ रहती है। Best faculty does not go to teaching a very small class of 10 people जिसमें के बिल्कुल एक नया specialization हो। तो इन तमाम बातों को सामने रख के प्रोग्राम इम्प्रूव होगा। आप कोशिश कर रहे हैं एज फिजिक्स, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ आपके करने से ठीक नहीं होगा और न ही कभी इससे जाइए इस तरफ कि वी विल स्टार्ट आवर ओन BS प्रोग्राम। ये तो कत ही एक बात भी गैर आपको लग रहा है कि एक डिपार्टमेंट जो है हम अपना प्रोग्राम शुरू कर लेंगे, अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे, ये बॉस ये तो बिल्कुल ही एक टोटल निगेशन है इस प्रोग्राम की। कुछ करना है आपको, वो आपको अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स के कुलीग के साथ मिलकर करना होगा। जो आप तलबा तलबात हैं जो इस प्रोग्राम के में हैं, उनसे भी मेरी ये सदा है कि आप अपनी ग्रीवेंसेस को मिलकर आप डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स के बैठ के संजीदगी के साथ आप इनको आर्टिकुलेट कीजिए। आप लिखिए इस पर, आप इसके ऊपर कंप्लेन कीजिए अपने डीन्स को, अपने वाइस चांसलर को कि हमें ये रिक्वायर्ड है, हमारे एजुकेशन में ये कमी आ रही है, हम इतनी फीस पे कर रहे हैं, हमें इसके बस ये मिल रहा है। यू हैव नॉट ओनली अ राइट बट अ ड्यूटी टू प्रोटेस्ट अबाउट दिस। ये मेरे ख्याल इस बारे में। शुक्रिया। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो फंडिंग एजेंसीज हैं जो प्रॉपर किस्म की लेबर जॉब करवाने और क्रैप किस्म की पब्लिकेशंस की तरफ पुश करती हैं, वो भी इस मामले में रिस्पॉन्सिबल हैं जो इस प्रोग्राम को मतलब जिसकी वजह से ये प्रोग्राम अलाई नहीं हो पा रहा अपनी फुल पोटेंशियल में? ये मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ इस पॉइंट से कि अपना ब्लेम हम शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द फंडिंग एजेंसीज। वो मैक्सिमम ही कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट पैदा हो जाए। लेकिन सर, इधर पाकिस्तान में बाउंड अभी तो दोनों थे, मुझे तो बात नहीं पता। स्पेशली इधर का जब भी हम फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे, हमारा पहले ही क्लास था, ये बताया गया था कि हम मैं क्लास में इतनी हिस्ट्री को फेल कर दूंगा। मैं हर साल इतना हिस्ट्री को फेल करता हूँ, इतनी उनको पास करता हूँ, ऐसा में कितना मुश्किल है। इसका मतलब है सर, तो ट्रेन क्लास में हमें इतना डराया धमकाया गया कि हम
کیا سر. اصل میں چار مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے, ابھی جو میکینکس ون تھا فرسٹ سیمسٹر, اس میں چار چیپٹر ابھی جو ہم ای ایم ٹی راہل سر پڑھا رہی ہے اس میں تقریباً 12 چیپٹر دور ہیں سر. اصل میں سر ٹائم کم ہوتا ہے, پھر جب آخری مہینہ آ جاتا ہے ٹیچر کو 7-8 چیپٹر اور بھی پڑھنے ہوتے ہیں, تو پھر وہ جلدی جلدی بگا دیتے ہیں. جب ہم اس اور چیزیں ایکسپلین نہیں کرتے, جب پھر ہم پیپر گراتے ہیں تو پیپر میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم نے سوچا تھا کہ ہوتا ہے, پڑھا کہ کچھ اور انداز ہے. سمپل ایگزامپل کرا کہ پھر جو پیپر آ جاتا ہے کہ وہی کیسے کریں گے, سوچیں گے, ہنسیں گے,
پھر آپ اسٹرگل کریں گے کسی اور سے, پھر آپ کا دماغ کام کرے گا اور آپ اس میں چیزیں سیکھیں گے. اگر آپ لوگ اسائنمنٹ کرنے میں یہ بےمانی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے آپ کو پھنساتے ہیں مشکل میں, پھر آپ کمپلین کرتے ہیں ٹیچر کے اگینسٹ. یہ بات مس نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹیچرس کی اپنی کمزوریاں ہیں, آئی ایم شیور کہ وہ بھی چاہیے اسے ٹھیک کریں, لیکن آپ لوگ ضرور دیکھیں اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو. سر صاحب سے ایک کوشچن کرنا ہے کہ آپ نے ٹیکنیکل اسکل کے بارے میں ایک اسپیسیفک بات کی تھی کہ ہر مطلب ایجوکیشن کا ایک پرپز ہوتا ہے کہ کچھ, تو ہم ہمارے یہاں پہ کیونکہ جنرل سبجیکٹس ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں, قائد اعظم یونیورسٹی میں اسپیشلی ٹیکنیکل نہیں ہوتا, تو یہاں پہ اسکل کیا ہونی چاہیے, مطلب ایک کوشچن مطلب میں سوچ رہا تھا, تو اس میں یہ کہ میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ جو چیز ہم یہاں پہ ڈسکس بھی کریں کہ ہم سب لوگ لے کر رہے ہیں وہ یہ کہ ٹیچنگ اسکلس, کہ ہم کورسز پڑھتے ہیں بی ایس میں ہم کورسز پڑھے ہیں, اس میں ہیومینٹیز بھی پڑھے ہیں, سوشل سائنسز بھی پڑھے ہیں, بایولوجیکل سائنس بھی پڑھے ہیں, لیکن کیوں نہ اس کے اندر ایک اسپیشل ٹیچنگ کورس کا بھی ایک ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر بی ایس میں ایک ٹیچنگ کورس ضرور ہو. اچھا ابھی ایم ایس سی کر کے جو اسکول کالجز میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہ تو شاید بی ایڈ ایم ایڈ کر کے ٹیچنگ اسکل وہاں سے حاصل کر کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہی لوگ جو ریسرچ میں آ جاتے ہیں, ایم فل میں آتے ہیں, پی ایچ ڈی میں آتے ہیں, جنہوں نے وہی سائیکل سے پاس ہو کے یونیورسٹی میں پڑھانا ہے, اس نے کسی بھی جگہ کے اوپر ٹیچنگ اسکل نہیں سیکھی, وہ مطلب نہ اس نے کبھی بی ایڈ پڑھا ہے, کیونکہ اس کی بھی ایک میتھڈالوجی ہے, کچھ پیرامیٹر ہیں, کچھ ڈیفینیشن ہے, کچھ مطلب ڈسکشنز ہیں کہ جو آپ نے سنی ہونی چاہیے, آپ نے کی ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے یہ چیز بھی ہم لے کرتے ہیں کہ بی ایس کے سسٹم کے اندر کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں ہمیں لازمی گزرنا پڑے جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ, اور یہ میرے خیال سے ایٹ لیسٹ ایک اسکل ہے جو کہ ہم یہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں یونیورسٹی میں کسی بھی سبجیکٹ میں. آپ کے سوال کے دو پارٹ ہیں, ایک تو آپ نے جنرلی سوال کیا کہ کیا اسکلس دے سکتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں اگر آپ بات کریں جس کے بارے میں, تو بہت سی اسکلس ایسی ہیں, مینٹل اسکلس دیتے ہیں سبجیکٹ کی نالج کے حوالے سے, کچھ جیسے آپ ایکسپیریمنٹیشن کراتے ہیں وہاں بہت سی اسکلس آپ سکھائی جاتی ہیں, الیکٹرانکس فار ایگزامپل ہے, یا اس کے علاوہ ٹریولنگس آپ سیکھتے ہیں, خاصی لوگ ہیں ایکٹیو ٹیکنیک سیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہوتا اس میں یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں ہائر لیول کے اوپر ایم ایس سی میں یا ان لیول کے اوپر سینئر لیول کے کلاس ہے بی ایس میں, وہاں پر آپ کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں اور وہاں پر ایکسپیریمنٹ آپ ڈیزائن کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, وہاں بہت کچھ سیکھتے ہیں, ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرنے کے کانٹیکسٹ میں آپ سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں جو آپ کو ایک اسکل دیتی ہے. You can go and you can start from zero and construct. جو آپ نے بات فدا اثر, اس کے علاوہ کمپیوٹیشن جو ہے وہ بڑی بڑی اسکل ہے جو کہ آپ سیکھتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں انہوں نے پارٹیکل فزکس میں جہاں کی بڑی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کمپیوٹیشن کی, وہ انہوں نے اسپیشلائز کیا اور وہ کام کر رہے ہیں وال اسٹریٹ کے اوپر, جو امیرکا کی فائنینشیل وہ ہیڈ ہے, ہب ہے, وہاں بھی کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کی اتنی اچھی اسکل ہے ماں ہے کمپیوٹیشن کی بھی اور ماڈلنگ اور سمولیشن کی, کہ وہ بڑے آسانی سے اپنا شفٹ کر لیتے ہیں ورڈ فائنینشیل میتھمیٹکس. تو یہ اسکل ان کی ہوتی ہے جو کہ میتھمیٹکس کی اور پروگرامنگ کی انہوں نے لی جاتی ہے, اس طرح لی جاتی ہے. تو آپ نے بات کی سیکنڈلی وہ ٹیچنگ کے بارے سے, وہ بھی بالکل درست ہے. بعض یونیورسٹیاں جو ہیں انہوں نے کمپلسری کر دیا ہے یو ایس میں کہ اسٹوڈنٹ کو لینے پڑیں گے کورسز ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اندر, اور پریکٹس کرنی پڑے گی, لیکچرس بنانے کی, ڈلیور کرنے کی, ایگزامس کی گریڈنگ کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے وغیرہ, وہ چیزیں بعض یونیورسٹیوں نے ریکوائرمنٹ کی ہوئی ہے اور بعض میں آپشن آفر کرتے ہیں. اس کو ہمارے اسٹوڈنٹ کو وہ ٹریننگ مل جائیں گی کہ وہ
जैसे कि आजकल के स्टूडेंट फेस कर पाते हैं कि उनको फ्यूचर का आगे का इतना नहीं पता होता कि कौन से सब्जेक्ट में आगे लेके वो क्या मतलब किस फील्ड में जाए। और नंबर दूसरी बात के ये जो हमारा सिलेबस है, क्या वो भी उसी तरह का टिपिकल सिलेबस लेके आएंगे जैसे कि 40 इयर्स और 50 इयर्स के बाद और समटाइम 35 इयर्स के बाद हम सिलेबस को चेंज करते हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज है आपके ख्याल में कि वो सिलेबस को उस लिहाज तक लेके आए कि जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो? सर आपका क्या ख्याल है? ये गवर्नमेंट का काम है, ये काम तो टीचर्स का है, ये काम उन प्रोफेशनल्स का है जो अपना प्रोफेशन जानते हैं। कोई ब्यूरोक्रेट, कोई क्लर्क ही क्या तय करेगा कि सिलेबस करिकुलम क्या होना चाहिए? उसकी बात माननी भी नहीं चाहिए अगर वो कहे कि ऐसा हो या ऐसा हो। देखें, नॉलेज इल्म कोई साकित और जामिद चीज नहीं है, इसमें हर वक्त इजाफा होता रहता है। आर्कियोलॉजी की आपने बात की, आर्कियोलॉजी किसी कदीम जमाने में नहीं पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटियों के अंदर, ये नया सब्जेक्ट है, इसलिए कि नए टूल्स इजाद हुए हैं इसके लिए। आज आप रेडियोएक्टिव डेटिंग कर सकते हैं, आज आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप पत्थरों को एग्जामिन कर सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख सकते हैं, एक पहलू उसका वो है। लेकिन आर्कियोलॉजी में अगर आपको कोई कमाल दिखाना, अगर आपको एक कॉम्पिटेंट आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, तो आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंसेस के वो सब्जेक्ट्स जो उससे मुतालिक हैं, और फिर हल्का फुल्का आपको कुछ फिजिक्स के बारे में भी आना चाहिए कि आखिर हम कैसे जान सकते हैं कि कार्बन डेटिंग से कि एक पत्थर जो है या कोई कोई बर्तन है, वाज है, कितना पुराना है। उसके पीछे भी एक सोच है, वो सोच से आपको आशना होना चाहिए। तो देखिए, आर्कियोलॉजी में मुझे नहीं पता कि एक कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स उसके अंदर शामिल होने चाहिए, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जब तक आपका बैकग्राउंड ब्रॉड ना हो, उस वक्त तक आप कामयाब एंथ्रोपोलॉजी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। मेरा सवाल खुशी सर से। सर, जैसे कि आपने कहा कि अभी तक हमारी फैकल्टी ने इस सिस्टम को कबूल नहीं किया, इसकी बेहतरी क्लेम कुछ हो नहीं रहा, तो आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा हालत में अगर आप इसको कंपेयर करें एमएससी प्रोग्राम के साथ, तो बेहतर कौन सा है? और अगर ये बेहतर नहीं है और इसकी बेहतरी कुछ हो भी नहीं रहा, तो फिर इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक है, मैं तो नहीं समझता कि ये कोई अच्छा इकदाम होगा कि आप वापस जाएँ इस तरफ, क्योंकि आपको अपने सिस्टम को सिस्टम के साथ दुनिया में उसे हम आन करना पड़ेगा, वरना आपकी जो बीएससी ग्रेजुएट है उसकी क्या हैसियत है? ना वो एक सिर्फ हाई स्कूल का स्टूडेंट है, ना ही कोई ग्रेजुएट है, कोई बीच की चीज़ है। और दूसरी जो बात हम बार बार कर चुके हैं कि उसकी एक जो इसकी इस प्रोग्राम की जो एक इंटेलेक्चुअल नीड क्या है, क्यों ये प्रोग्राम जरूरी है इस तरह से होना, तो मैं तो कन्विंस हूँ कि जो मुस्तकबिल है, जो हाल है, वो बीएस फोर ईयर प्रोग्राम है। इसलिए उसको ठीक करना जरूरी है, उसे गिव अप करना के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे नज़दीक। तो ये सोल्यूशन नहीं है। परवेज साहब, आप क्या समझते हैं इस पॉइंट के बारे में? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ खुशी साहब से कि इस प्रोग्राम को आप गिव अप नहीं कर सकते, इसको मजबूत करने की जरूरत है। इसमें कुछ खराबियाँ आ गई हैं, और एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से मैं देखता हूँ कि जिस तरह की बिल्डिंग वहाँ बनाई गई वो इस काम के लिए ठीक नहीं है। जब लम्स ने अपना स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग शुरू किया था, तो शुरू के दिनों ये भी 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है, हमने बैठकर वहाँ एक बहुत तफसील से प्रोग्राम बनाया था कि इतनी क्लासें होंगी, उनकी साइजेज इतनी होंगी, इतनी लेबॉरेटरियाँ होंगी, फिर उसको एक आर्किटेक्ट से वेट कराया, फिर वेट कराया, और जब बहुत सी आरा जमा हुई और जब इसके हर पहलू को देखा गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ।
यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई ठेकेदार मिला, बस उसको बुला लिया, कहा कि इतनी दीवारें खड़ी करो, इतनी इतनी क्लासें हो। मैं हैरान हूँ देख कर के ये कोई मुनासिब बिल्डिंग नहीं है उसके लिए। अब चलिए ये बन गई है तो इसका जितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें, लेकिन इसके अलावा फिर अगर इस बीएस प्रोग्राम को वाकई मजबूत करना है तो वी नीड एडिशनल कंस्ट्रक्शन। मगर जो खुशी चाहता कह रहे थे सबसे जरूरी ये है कि जो फैकल्टी है उनको कायल करना, उनको कन्विंस करना है कि एक्चुअली दुनिया उस सिंक जा रही है और हमें भी दुनिया के साथ साथ चलना है। आखिर ये जो फोर ईयर बीएस का प्रोग्राम है ये आला तालीम का एक तकाजा बन गया, एक जरूरत बन गई है। पहले के जमाने में ये 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी ये ठीक होता था, जमाना बदल गया। बट वी हैव टू कन्विंस द टीचर्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ जो वहाँ पे मसाइल हैं उनका मैं आपको भाई एटलीस्ट 50% जो टीचर्स हैं वो एक्चुअली एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक। रफली 80% फैकल्टी जो है वो विजिटिंग फैकल्टी है, ठीक। कोई डिपार्टमेंट अपने टीचर्स तकरीबन नहीं भेजता, बहुत रेयरली फिजिक्स भेज देगा या बाकी लोग। ऐसे ऐसे टीचर वहाँ आते हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ से जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ाया, ठीक। ये तो एक साइड है उसकी फैकल्टी की। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्लासरूम के साइज जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं 40-50 स्टूडेंट्स के, जबकि क्लास का मिनिमम साइज 60 स्टूडेंट। और वो उसको प्लान ये था कि एक साल 40 होंगे, फिर 60 होंगे, 80 होंगे, 100 तक जाएंगे। लेकिन क्लासरूम डिज़ाइन करते वक्त इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचा गया, चेयर्स तक नहीं है वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, इतने स्टूडेंट्स के लिए। कई बार लिखा नहीं हो सकी, अब शायद हो जाए, लेकिन वो सारे का सारा जो सिस्टम है उसको प्रॉपरली, इवन जब बीएस का प्रोग्राम शुरू किया गया तो उसके लिए इवन डायरेक्टर भी नहीं रखा गया। कि ये डिसाइड हुआ कि जी एक कोऑर्डिनेटर होगा जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को से कोऑर्डिनेट करेगा, और उस कोऑर्डिनेटर का काम ये होगा कि वो अटेंडेंस क्लासरूम अरेंज करेगा, टीचर्स के लिए चाक का अरेंजमेंट करेगा, बिल्डिंग की सफाई रखेगा और टाइम टेबल बनाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें थी वो जिस तरीके से अंडर ग्रेड का होना चाहिए, डीन होता है, अंडर ग्रेड का डीन होता है या प्रॉपरली एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम डिज़ाइन नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि जिस प्रोफेसर को कोऑर्डिनेटर लगाया गया वो कुछ दिनों के बाद तंग आ गए, उन्होंने काम मैं तो नहीं करता। फिर दूसरे प्रोफेसर को लगाया गया, उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा किया काम, रिज़ाइन कर लिया कि जी मैं एज ए कोऑर्डिनेटर काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर जो उस वक्त के डीन थे उन्होंने कहा कि जी वो कोऑर्डिनेटर कौन बनेगा, 2-3 प्रोफेसर से पूछा गया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अल्टीमेटली उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ठीक है मैं इसका कोऑर्डिनेटर बन जाता हूँ। मुझे जो स्टाफ मिला वो 2 क्लर्क थे और 2 नायब कासिम। ये मेरे से पहले जिन्होंने बीएस का प्रोग्राम डिज़ाइन किया, उन्होंने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने वो होता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से अप्रूव ही नहीं करवाया हुआ स्टाफ। वहाँ झाड़ू लगाने के लिए जो स्वीपर आते हैं वो भी बीएस का हिस्सा नहीं है, वो भी आते हैं उससे स्टेट ऑफिस से आते हैं, ठीक है। अगर लैब के अंदर अगर कोई है अटेंडेंट है तो वो उस डिपार्टमेंट से आ रहा है, उसकी मर्जी है वो आए या ना आए, क्योंकि उसने अटेंडेंस उधर नहीं लगानी, ठीक। वो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो था अच्छा, बोर्ड डिज़ाइन हुए, इतने बुरे बोर्ड डिज़ाइन हुए हुए हैं कि टीचर का लिखा हुआ पीछे वाले स्टूडेंट्स को वो पढ़ ही नहीं सकता। किसी ने उस बिल्डिंग के डिज़ाइन के वक्त भी नहीं सोचा, आवाज़ वहाँ गूंजती है पीछे वाले स्टूडेंट्स को आवाज़ ही नहीं आता। स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं उस बिल्डिंग में, टोटल कमरे 12 हैं, ठीक है, उनमें वो क्लासेस नहीं हो सकती। बारिश हो जाए वो स्टूडेंट्स कहाँ खड़े कहाँ हों, उसी बिल्डिंग के अंदर इधर उधर खड़ा होना है, मतलब टोटल जिसे कहते हैं वो मैस है। और उस मैस की डिज़ाइन करने में उस वक्त के वाइस चांसलर और बाकी लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट आप सुनिए, आप सुन लें, क्योंकि मैं उसको 2 साल से रन कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि बताना कि सबको पता हो कि वो क्या है और उसका एंड रिज़ल्ट क्या हो रहा है। कि स्टूडेंट्स वहाँ पर नकल तो करते हैं, नकल करने के लिए हम उन पर
کیس بناتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں، دو دو سیمسٹر کے لیے آؤٹ کرتے ہیں، وہ اپنے موبائل فون سے یا مختلف طریقوں سے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ یونیورسٹی انتظامیہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، ان کو سزائیں مل رہی ہیں اور وہ کافی حد تک ہم نے ریڈیوس کر لیا ہے، لیکن جو بیسک پرابلمس ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ اس بلڈنگ سے اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ ہو سکتا ہے، لیب کا اکوپمنٹ اس طریقے سے، لیب صرف ٹوٹل ایک فزکس کی، ایک کیمسٹری کی لیب اور ایک کمپیوٹر کی لیب ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سارے سسٹم کے لیے کافی بھی نہیں ہے، تو اس طرح بہت سے آپ جو چاہیں گے سمپل سے جواب تو یہ ہے کہ بھائی تین سال سے آپ یونیورسٹی کے سفر اس کے آپ کے مالک ہیں، جانتے ہیں، کیوں نہیں آپ نے تبدیلی لیا ہے، کس نے روکا ہے آپ کو ٹیم اپوائنٹ کرنے سے، کیوں نہیں کر سکتے اس کی بجائے اول کہ آپ نے کوشش کی ان اپوائنٹ کرانے کی، انڈر گریجویٹ کی، کیا آپ نے نہ کہ ذمہ دار آپ کو نہیں مل رہا تھا، کس میں آپ کے ہاتھ روکے ہیں کہ آپ وزارت پہ یا ہاتھ روک یا چپراسی ہائر کرنے، اگر وائٹ بورڈ جو ہے صاف تو بدل پا لیجیے، کہ ایک کام ان لوگوں کا تھا جنہوں نے پروگرام کا تمام اسٹرکچر بنایا، ایک بلڈنگ جو موجود نہیں تھی کسی اور بلڈنگ کو حاصل کر کے اس پروگرام کو اسٹارٹ کرایا اور چند سو اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹارٹ کرایا، آپ نمبر پڑھائے جا رہے ہیں ہر سال میں، آپ ٹیچرس کو ہائر نہیں کر رہے اس لحاظ سے، آپ انفورس نہیں کر رہے ڈپارٹمنٹس کو کہ کوالٹی مینٹین کریں، آپ ٹی ایس کو چیک نہیں کر رہے، آپ کوئز چیک نہیں کر رہے، آپ اس پہ رو رہے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کیوں نہیں دیا، کس نے آپ کے ہاتھ باندھ دے رہے ہیں، دن میں آپ کی روز ملاقات بی سی سے ہوتی ہے، کیوں نہیں آپ اس سے مانگ لیتے یہ چیزیں، کیوں نہیں آپ پیش کرتے اپنے اکیڈمک کاؤنسل میں تک، کیوں نہیں آپ اپنے پلاننگ کے پی ایم ڈی میں مانگتے، آپ اس پہ رو رہے نہیں جا سکتے، پہلے ہم نے کیا کیا تھا، ہم تو چلے گئے 11 مہینے بعد نا پروگرام اسٹارٹ کرا کے انوگریٹ کرا کے، آپ نے کیا کیا بتایا نا اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس بی ایس پروگرام کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف آپس کی جو بات ہے ہماری یہ ناکافی ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کو الگ اور ٹیچرس کو الگ ایک محاذ بنانی، یہ جو بی ایس پروگرام جس طرح سے چل رہا ہے یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کہ اس میں اصلاح کی سخت ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے ہم آج ہم نے جس طرح کی گفتگو کی ہے اس سے بات واضح ہوئی کہ کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، اب وہ کیسے لائی جائیں، میرا خیال ہے یہ دو مختلف فورمز کے اوپر بات کرنا چاہیے، تو اسٹوڈنٹس الگ اور ٹیچرز الگ، تو اب ایسے میں اب آپ سے جو ٹیچرز یہاں پر موجود ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا اے ایس اے اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے تیار ہوگا؟ میں سر سوال کا جواب ہاں میں ہے، کیونکہ میں پچھلی اے ایس اے کا حصہ بھی رہا، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال یا میری جس طرح خالد صاحب کا ایک کامنٹ ہے، میں خورشید صاحب کو علم ان کے ساتھ انوالو تھا ڈے ون سے اس بی ایس پروگرام میں، اور فیکلٹی کا انرشیا بہت زیادہ ہے ٹو چینج اینی تھنگ، میرا خیال ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں ود ان ود نو ٹائم، کیونکہ اس میں پیسہ انوالو ہے، آنرشپ فیکلٹی نہ آج لے رہی ہے اور جس طرح ہم چل رہے ہیں نا یہ 10 سال بعد لینے کو تیار ہے، اٹ از دا فیکلٹی ہو از سول رسپانسبل ٹو فلاپ دس پروگرام، کیونکہ فیکلٹی یہ کہتی ہے کہ دیکھیے بی ایس بہتر نہیں تھا ہم بند ہی کر دیں، اب سوچیے اگر فیکلٹی یہ سوچ کے چل رہی ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں تو اس کو جبرن کھولیں گے تو یہ سارے مسائل آئیں گے جو خالد صاحب جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، پچھلی اے ایس اے میں ہم نے کوشش کی کہ بی ایس پہ ایک کمیٹی بنائی ہے، تور صاحب نے اس میں بہت کام کیا اور بھی لوگ اس کا حصہ تھے، آپ یقین کیجئے کہ میں ہمیشہ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ شاید یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر آپ کا انڈر گریجویٹ فلاپ ہے تو آپ کا گریجویٹ پروگرام فار شور فلاپ ہوگا، کیونکہ ہمیں جو پرسیپشن ملی اور اسٹوڈنٹ اس معاملے میں سر بہت سیریس ہیں، پرویز صاحب آپ کی سوال کا جواب، میں نے اپنے بی ایس کے اسٹوڈنٹ جو پہلے پاس آؤٹ ہوئے ہیں انہیں جس جس سیمسٹر میں پڑھایا میں نے ان سے اینڈ پہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ انفراسٹرکچر پرابلمس کیا تھے اور ٹیچنگ پرابلمس کیا تھے، انہوں نے ہر دفعہ بڑی سیریسلی ورک شیٹ بنا کے دی، وہ ہم نے آگے پریزنٹ بھی کی لے جا کے، فیکلٹیز اس کو اون نہیں کر رہی اس پروگرام کو، یہ ایک میجر پرابلم ہے ہم، اور یہ میجر کمپوننٹ بھی اس پروگرام کا فیکلٹی ہے، اے ایس اے اس پہ جتنا مرضی زور لگا لے ہم نے بھی لگایا، اور آپ سے میں نے پرویز صاحب کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کہ اے ایس اے ہی چاہ رہی تھی کہ آپ اس پہ ایک پریزنٹیشن دیں تاکہ اسے ریگولر ایک میٹنگ کا حصہ بنایا جائے، ہر دفعہ یہ حصہ ہو ایجنڈا کا جو ایگزیکٹو کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو کیسے امپروو کیا جائے،
ٹرسٹ می فیکلٹی چاہ ہی نہیں رہی. وہ اپنے لوگ جو خارج صاحب بات کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں فزکس پڑھ کے آئے ہیں ان کا اگر میتھمیٹکس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو میں خود یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ جو میتھس میں پڑھ کے آیا تھا کالج ایک گاؤں کے کالج سے وہ وے مور ایڈوانس تھا کمپیئر ٹو جو میتھس ہم یہاں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. حالانکہ کیوریکلم آپ کو انداز یاد ہوگا خورشید صاحب وہ بہت اچھا بنایا گیا, کتابیں بہت اچھی چوز گئیں, لیکن جب پڑھانے والے کوئی سیریس نہیں. یا میتھس ایک ایگزامپل ہے, سیم ہولڈ ود دا فزکس کیمسٹری سب کے ساتھ ہیں, لیکن جو کہ میرا میتھس سے واسطہ پڑھا تو یہ اسٹوڈنٹ خود بتاتے ہیں کہ ہماری میتھس کی ڈفیکلٹیز ہیں. یہ نہیں کہ میتھس پڑھا نہیں سکتے یا پھر کیمسٹری پڑھا نہیں سکتے, وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھانا نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں ہمارا یہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے چھوٹے عمر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. تو ٹرسٹ میں اٹ از دی آنرشپ جو اس یونیورسٹی کے اس پروگرام کو بالکل تباہ کر رہی ہے. انلیس ہم اپنا یہ انرشیا یا اپنا ایٹیچیوڈ چینج نہیں کریں گے. خالد صاحب اسے ڈبل بلڈنگ بنوا دیجیے آپ, سویپر میں آپ کو کرائے پہ لا دیتا ہوں. انہوں نے فزکس نہیں پڑھانی, انہوں نے میتھ نہیں پڑھانا, سب سے پہلے بسیں بھی مل جائیں. اور سر یہ ہم نے پرسنلی می اینڈ مائی کلاس اور میرے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی اس کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم نے یہ فیس کیا ہے کہ ہمیں فرسٹ سیمسٹر سے سر آپ نے بات کی کہ جب آپ فرسٹ آتے ہو تو آپ کو اپنا ایک اسٹرانگ بیس بنانے کے لیے آپ کو اسٹرانگ ٹیچرس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ سر اگر کوئی مسئلہ ہے آپ اس کا کمپلین کرو تو سر یو آر آسکڈ ٹو میک اے کمپرومائز. آپ کو فیکلٹی کوئی سولیوشن نہیں دیتی. ہمارے ساتھ اس سمسیا میں بہت بڑا ایشو ہوا ہے, ہم نے وہ کمپلین کی تو ہمیں کہا گیا کہ ابھی تھوڑا ٹائم رہتا ہے آپ کمپرومائز کرو. ہم نے اپلیکیشنس بھی کی, بہت کچھ کیا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو سر آپ جب آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ کنٹری کی بیسٹ یونیورسٹی ہے, جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو امپاور نہیں کر رہے ہو تو آپ دوسروں کو کیا میسج دے رہے ہو؟ اور جو یہ بچہ اب میں یہاں سے نکلوں گی, ٹھیک ہے, میں یہاں سے ڈگری لے کے نکلوں گی تو میں کسی اور کو کیا سکھاؤں گی جب میں نے خود کچھ ایسے نہیں سیکھا ہے؟ تو تھینک یو. اب کیونکہ وقت بہت محدود ہے میں صرف ایک بات کروں گا. دیکھیے جو جو شکایتیں آپ نے کی ہیں بالکل درست ہیں کہ ٹیچرز سیریس نہیں ہیں یا شاید ٹیچرز اپنا سبجیکٹ بھی نہیں جانتے ہیں. یہ بات صرف یہاں نہیں, 90% ٹیچرز پر صادق آتی ہے پورے پاکستان میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بد دل ہونا چاہیے. جس کو شوق ہے وہ اس سبجیکٹ کا شوق ہے, مزید جاننے کا شوق ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانے کا شوق ہے, وہ آج کل ڈسٹنس لرننگ کورسز سے, انٹرنیٹ سے, اپنی کوشش سے بہت کچھ سیکھ سکتا. میں نے دیکھا پچھلے دنوں چھوٹے بچے, بہت ذہین بچے مگر چھوٹے, 8-9-10 سال کے بچے, انہوں نے جو کمال کی چیزیں سیکھی ہیں. میں لفظ میں پچھلے دنوں گیا تھا ایک لیکچر کے لیے, برائٹ بچوں کو جمع کیا گیا تھا کسی آرگنائزیشن کے تحت, مگر یہ لفظ میں ہوا تھا. جو سوالات ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 10 سال تھی, باقی جو تھے وہ 16-17-18 سال کے تھے, اس نے ایسے سوالات کیے کہ میں تو حیران رہ گیا اور میرا دل بار بار ہو گیا اس کی باتیں سن کر. تو وہ تو خیر ایک ایکسیپشن ہے, لیکن آپ میں سے کسی کو یہ کوئی روک نہیں سکتا کہ یو میک یور سیلف بیٹر اینڈ انکریز یور اسٹاک آف نالج. تو ٹھیک بات ہے آپ کی کہ پولیٹیکل سائنس میں آپ کو یہ دشواریاں پیش آئی ہیں, یہی چیز آپ کو کیمسٹری اور فزکس اور بایولوجی اور ہر سبجیکٹ میں پیش آتی ہیں, بٹ دس از ناٹ سم تھنگ ٹو گیو اپ. چلیں آپ کو ہمارے اسپیکر سے شکریہ ادا کرتے ہیں.